सरदारा विच बापू दा ए ना पुत होया शराब नाल रज जानते दो बारी जट पिल्ला मरिया पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छट जानते दो बारी जट पिल्ला मरिया पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छट जानते ओ नित नित ता मैं गोरिये एह दुख भी नी जार करदा मेरे खास यार बेली जान दे तैनू किन्ना सी प्यार करदा हो मुंडा अज भी तू चिट्टी विच नी के तू पालदी सी की बलिए तेरी याद नाल आउणी चाहीदी हो इक बोतल फ्री बलिए तेरी याद नाल आउणी चाहीदी हो इक बोतल फ्री बलिए ठेके आला भी ना तार करदा ना लगे नोटा दे की बलिए तेरी याद नाल आउणी चाहीदी हो इक बोतल बोतल द बॉस भुलिया नी जाना यार नू लुट्टी मेरे ना बहार आऊगी नाले चेते मेरी कार आऊगी मैं ता पैग पुग ला के सार नू तैनू पहन के भुलेखे जट दे दूरी जानी ना जाई बलिए तेरी याद नाल आउणी चाहीदी हो इक बोतल फ्री बलिए तेरी याद नाल वाली पग बनदा मून वल नू इशारा करके मैनू आखदी सी बां फटके के तू जट्टा पीस चन्नदा ओही चन्निया बठिंडे चढ़दा जो तेरे चढ़दा सरी बलिए तेरी याद नाल आउणी चाहीदी हो इक बोतल फ्री बलिए तेरी याद नाल जट नू संभाल के गई कप्तान कप्तान जट दी बिल्लो हेकी उत्ते सौंदी हुंदी सी उसे उत्ते दीवा बाल के गई मेरे यार बेली ताने मार दे पीके कर दे खरी बलिए तेरी याद नाल आउणी चाहीदी हो इक बोतल फ्री बलिए तेरी याद नाल आउणी चाहीदी लेफ्ट साइड ठोडी ते ब्लैक तिलनी इहदे उत्ते मित्रां दा आया दिल नी आता कम बिलकुल राइट करता ओ इन्नी सोहणी रब ने बना के बलिए मित्रां दा फ्यूचर ब्राइट करता ओ तैनू इन्नी सोहणी रब ने बना के बलिए मित्रां दा फ्यूचर ब्राइट करता ओए होए जचदी है
ताली ला के ऐनक जी काली बिलो दिन दा माहौल जमा नाइट करता हो इन्नी सोहनी रब ने बना दे बलिए तेरा दा फ्यूचर ब्राइट करता हो तेनू इन्नी सोहनी रब ने बना दे बलिए तेरा दा फ्यूचर ब्राइट करता ओए होए सी टाउन तू करा ते शीशे डाउन पुलिस ने नाका कहंदे टाइट करता हो इन्नी सोहनी रब ने बना के बलिए तेरा दा फ्यूचर ब्राइट करता हो तेनू इन्नी सोहनी रब ने बना के बलिए तेरा दा फ्यूचर ब्राइट करता ओए होए रहा जनाब करे सिफता पंजाब ताही बैस बैस नहीं मीटी तराइट करता हो इन्नी सोहनी रब ने बना के बलिए तेरा दा फ्यूचर ब्राइट करता हो तेनू इन्नी सोहनी रब ने बना के बलिए तेरा दा फ्यूचर ब्राइट करता हो तेनू इन्नी सोहनी रब ने बना के बलिए तेरा दा फ्यूचर ब्राइट करता ओए होए समझटा कि मैं भुलेगा रकान नू जान दिया तैनू वे मैं बड़े खब्बी खान नू ओ हैंड समझटा कि मैं भुलेगा रकान नू जान दिया तैनू वे मैं बड़े खब्बी खान नू ओ तैनू पहन के भुलेखे मेरे येलो सूट दे वे सरों दे आ फुला जो ओ यारा नू बुलाउन लगे निकले आ करू मेरा नाम भुला जो ओ यारा नू बुलाउन लगे निकले आ करू करूं मैं सारे ही टूला चो वो यारा नू बुलाउन लगे निकले आ करूं मेरा नाम भुला चो वो यारा नू बुलाउन लगे निकले आ करूं मेरा नाम भुला चो तू मैन कॉलेज दी तू बस पिछे सोने ਮੁੰਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸੀ ਕਰੂ ਦੇਸੀ ਕਰੂ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ
पहली बारी मिले आपा संग दे संगाउंदे, वो दूजी बारी मिले आपा कॉफी दे बहाने, तीजी बारी कादी तैनू फिल्म विखाई नी, चौथी बारी आ कम हो गया रकाने। नीए जीने भी एक कीता नहीं हो ठीक नी, साला चर्चा नजायज दूर दूर हो गया, हाड़ी कठिया भी फोटा हो गई लीक नी, आईने वेच मुंडा मशहूर हो गया, हाड़ी कठिया भी फोटा हो गई लीक नी, आईने वेच मुंडा मशहूर हो गया, मशहूर हो गया नी। रिश्तेदारां दे फोन खड़क गए, चंबल गया कहंदे काका जी, छेती पिंड बुला लो इहनू, करना देवे कोई वाका जी, करना देवे कोई वाका जी। रिश्तेदारां दे फोन खड़क गए, चंबल गया कहंदे काका जी, छेती पिंड बुला लो इहनू, करना देवे कोई वाका जी। साडा रुस गया चाचा ਰੀਕਨੀ, ਨਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਰੀਕਨੀ, ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਰੀਕਨੀ, ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ। फड़ फड़ फोन डिलीट कराई, तां भी वेख लै पहुंच गई, सारिया सोशल साइटा उत्ते आथण नू हो लौच गई, आथण नू हो लौच गई। फड़ फड़ फोन डिलीट कराई, तां भी वेख लै पहुंच गई, सारिया सोशल साइटा उत्ते आथण नू हो लौच गई, आथण नू हो लौच गई। पैगी बापू कोले पुत दी तरीक नी, छड़ खरड़ टकाना संगरूर हो गया, साडी कठियां दी फोटो हो गई लीक नी, ऐने विच मुंडा मशहूर हो गया, साडी कठियां दी फोटो हो गई लीक नी, ऐने विच मुंडा मशहूर हो गया, मशहूर हो गया नी। गीता करके बैंस बैंस नहीं, फोटो करके हो गई हा, मैनू भी लोकी जानने लग गए, तैनू भी कहिंदे आ गई आ, तैनू भी कहिंदे आ गई आ। गीता करके बैंस बैंस नहीं, फोटो करके हो गई आ, मैनू भी लोकी जानने लग गए, तैनू भी कहिंदे आ गई आ। मैनू तू भी लगे पहला ना ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਲੀਕ ਨੀ, ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਲੀਕ ਨੀ, ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੀ ਮੌਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੀ, ਮਹੀਨੇ ਮੂਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਮੂਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਵੀਕ ਪੈਕ ਲਾਏ, ਤੀਜੇ ਵੀਕ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਵੀਕ ਪੈਕ ਲਾਏ, ਤੀਜੇ ਵੀਕ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਵੀਕ ਪੈਕ ਲਾਏ, ਤੀਜੇ ਵੀਕ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਲੀਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਨੀਂਦ ਚੈਨ ਨਾਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਸੀ ਮਲਾਈ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਕਰਨ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਆ ਗਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਵੀਕ ਪੈਕ ਲਾਏ, ਤੀਜੇ ਵੀਕ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਵੀਕ ਪੈਕ ਲਾਏ, ਤੀਜੇ ਵੀਕ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਯਾਦ ਆ ਗਈ।
जिथे गल्लां साडियां सी मैच कीतियां नी खिचियां मैं रोंदे रोंदे ने भेजने लई तेरे वल नूं ईमेल विच फोटोआं अटैच कीतियां जदों नाम तेरा पाया फिर चेता मैनू आया ए तां ओही जेड़ी कर बर्बाद खा गई नी मैं पहले वीक खुश होया दूजे वीक पैग लाए तीजे वीक फिर तेरी याद आ गई नी मैं पहले वीक खुश होया दूजे वीक पैग लाए तीजे वीक फिर तेरी याद आ गई अगो कहता चल जाना है ता जा नी को गल मारे जट नू टुटियां ने लड़ लड़ के वैसे दिलां च सी इक दूजे वास्ते वफा लिखे बैंस बैंस गाने गाउंदे फिर देने आने ताही फीलिंग जही है बनवाद आ गई नी मैं पहले वीक खुश होया दूजे वीक पैग लाए तीजे वीक फिर तेरे बारे किसे तो क्यों पुछ दी फिरे नी आ जा तैनू दसा मैं सटोरी वली है वो जट नाल यारी थोड़ी औखी हुंदी आ नी महंगी पवे साडे नाल चोरी वली है ओ दब्या नी माड़ा तकड़े तो दबे नी ओ मित्रां ते बाबिया दी मेहर बड़ी है पैसियां ते वैसियां दी नी ओ डोण लगे जट ने ना केर करी है पैसियां ते ऐसियां ते वैसियां दी नी ओ डोण लगे जट ने ना केर करी है ਗਰੂਰ ਕਿੱਥੇ ਹੱਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਟ ਸ਼ੇਰਾ ਸੱਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜੱਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਓ ਮਾਝਾ ਗੱਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੀ ਕਰੇ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਕਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਐਸਿਆਂ ਤੇ ਵੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨੀ ਉਹ ਡੋਣ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨਾ ਘੇਰ ਕਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਐਸਿਆਂ ਤੇ ਵੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨੀ ਡੋਣ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨਾ ਘੇਰ ਕਰੀ ਹੈ ਅੱਖ ਬਾਲੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਨਾ ਵੈਰੀ ਇਹੋ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨੇ ਵੈਰ ਬਣੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜੀਰੋ ਬੱਲੀਏ ਕਾਰਤੂਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਰ ਬਣੇ ਨਾ ਉੜ ਕੇ ਜੋ ਤਵਿਆਂ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮੰਗਰਾਂ ਉਹ ਚੱਟ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਚ ਨਾ ਦੇਰ ਕਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਐਸਿਆਂ ਤੇ ਵੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨੀ ਡੋਣ ਯਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੱਦ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੜੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੜੇ ਉਹ ਅਰਜਣ ਜਿੱਥੇ ਠਾਠ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੜੇ ਨੇਜਿਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੱਲੇ ਹੌਸਲੇ ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਬੜੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਐਸਿਆਂ ਤੇ ਵੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨੀ ਉਹ ਡੋਣ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨਾ ਘੇਰ ਕਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਐਸਿਆਂ ਤੇ ਵੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨੀ ਉਹ ਡੋਣ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਐਸਿਆਂ ਤੇ ਵੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨੀ ਉਹ ਡੋਣ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨਾ ਘੇਰ ਕਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਐਸਿਆਂ ਤੇ ਵੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨੀ ਉਹ ਡੋਣ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨਾ ਘੇਰ ਕਰੀ ਲੈ ਨਸ ਕੇ ਬੱਤੀ ਆ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮਨ ਕਰ ਤਰ ਕੱਟ ਲਈ ਨਸ ਕੇ
अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हो। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि तुम भी मेरी तरह हमला कर दिया होता है। और देखते ही देखते वो सभी उसे अपना भोजन बना लेते हैं और मेलिनी और साथी भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है, जिसके बाद वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुँच जाते हैं। वहाँ मौजूद कैलरिन अब लैब में एक गैस फैला देती है, जिसकी वजह से कैलरिन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीट कर ऑपरेशन के लिए ले जाती है। अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरिन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वॉल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है। सिवाज सबको दो दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वॉल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग ढोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वॉल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, जो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुँचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है, जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है, जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजीब दर्द होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं, जहां भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहां उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहां आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वहीं होता है। हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब डेलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है, क्योंकि सारे हॉर्समैन ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था, और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे हॉर्समैन कहाँ पर है, और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ।
उधर हम चार हॉर्समैन को एक मैजिक शॉप में देखते हैं और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीजन था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे और इसलिए डैनियल अब आई को कॉन्टेक्ट करता है और अब वो बहुत ज्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेलवन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहां जाकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन रेड टेलवन भी मारा जाता है। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेलवन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स, वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है और उसे बेचता है एरेबिस के अड्डे पर। वहाँ जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कॉर्टेक्स से कहता नजर आता है जिसके पास कई भेड़े होती हैं, उसे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती है। इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है। इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहां मैकी और अर्ल आते हैं, वो इस भयानक नजारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं। वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहां से चार कदम की दूरी पर हट जाते हैं। दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोज को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है, इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था, इसे लेकर काफी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था। दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था, खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।